नमस्कार, मैं हूं निशा। आज है 18 अगस्त। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। छोटे किसानों को केंद्र सरकार का तोहफा। इन 6 राज्यों से बिहार आने वाले लोगों पर होगी विशेष नजर। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाने को लेकर कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब। अब पटना एम्स में सर्जरी के लिए नहीं करना पड़ेगा लंबा इंतजार। आज होगा जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत का पहला वनडे मुकाबला। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 25 खबरों की ओर विस्तार से। छोटे किसानों को केंद्र सरकार का तोहफा। केंद्र सरकार ने छोटे किसानों को बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने लघु अवधि में कृषि ऋण पर 1.5% ब्याज सहायता को मंजूरी दी है। इसके तहत छोटे किसानों को 3 लाख रुपए तक की लघु अवधि के लिए कृषि ऋण देने वाले संस्थान को 1.5% ब्याज की सहायता दी जाएगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सभी वित्तीय संस्थानों के लिए अल्पकालीन कृषि कर्ज के लिए 1.5% ब्याज सहायता योजना बहाल करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे दलेर मेहंदी की। 18 अगस्त 1967 को बिहार के पटना जिले में जन्मे दलेर सिंह को, जिन्हें दलेर मेहंदी के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय गायक, गीतकार, लेखक और रिकॉर्ड निर्माता है। दलेर मेहंदी ने भांगड़ा को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने में मदद की है। साथ ही बॉलीवुड संगीत से स्वतंत्र भारतीय पॉप संगीत को भी पॉपुलर बनाया है। वो अपने नृत्य, गीतों, आवाज और पगड़ी के साथ साथ अपनी पोशाक के लिए भी जाने जाते हैं। दलेर मेहंदी का जन्म बिहार के पटना के एक सिख परिवार में हुआ था। दलेर मेहंदी को 1994 में कजाकिस्तान के अलमाटी में व्यास ऑफ एशिया इंटरनेशनल एथनिक एंड पॉप म्यूजिक कंटेस्ट में सम्मानित भी किया गया था। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद पहली बार बिहार पहुंचे लालू यादव। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद पहली बार राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव बीते दिन शाम को पटना पहुंचे, जहां राजद के कार्यकर्ताओं के द्वारा एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया। हर बार की तरह बीते दिन भी राजद कार्यकर्ताओं में लालू यादव के बिहार आगमन पर खुशी की लहर देखी जा सकती थी। और हो भी क्यों ना, राजद सुप्रीमो महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पहली बार बिहार आए, जहां उनके छोटे बेटे उप मुख्यमंत्री सहित 4 विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वहीं बड़े बेटे तेज प्रताप यादव वन एवं पर्यावरण विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इसी बीच बीते दिन राजद के कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर पुष्प वर्षा कर और ढोल नगाड़ों के साथ लालू प्रसाद यादव का स्वागत करते हुए नजर आए। इन 6 राज्यों से बिहार आने वाले लोगों पर होगी विशेष नजर। देश के साथ साथ बिहार में भी कोरोना संक्रमण के मामले में बढ़ोतरी होने की संभावना देखते हुए बिहार का स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है। इसी को लेकर दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और बेंगलुरु से बिहार आने वाले यात्रियों पर विशेष नजर रखी जाएगी। आपको बताते चले कि ये 6 राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना संक्रमण के मामले में रफ्तार पकड़ी है। ऐसे में एहतियात के तौर पर बिहार सरकार ने इन राज्यों से आने वाले लोगों का सख्ती से कोरोना जांच करने का आदेश दिया है। इसको लेकर प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि राज्य में सभी कंट्रोल रूम को फिर से चालू किया जाएगा। साथ ही रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड तथा ग्रामीण इलाकों में जांच केंद्र बनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर के कानून मंत्री ने बुलाया प्रेस कॉन्फ्रेंस। महागठबंधन सरकार में कानून मंत्री कार्तिक सिंह मुश्किलों से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल कार्तिक सिंह के ऊपर कोर्ट मामले में अपहरण का मामला चल रहा है। इसके बावजूद उन्हें महागठबंधन सरकार में कानून मंत्री बनाया गया, जिसके बाद नीतीश कुमार के ऊपर भी प्रश्न उठाए जाने लगे। ऐसे में कार्तिक सिंह ने इस मामले को लेकर के बीते दिन शाम 4 बजे वकीलों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जहां उन्होंने इस मामले की पूरी जानकारी दी। कानून मंत्री कार्तिक कुमार के वकीलों ने कहा कि मंत्री कार्तिक कुमार को फरार होने की जो खबरें चल रही है वो बेबुनियाद है। जो प्राथमिकी दर्ज की गई उसमें कार्तिक कुमार को संलिप्तता बताई नहीं गई है। पुलिसिया जांच में स्पष्ट रूप से कहा गया कि पूरे मामले में कार्तिक मास्टर के खिलाफ कहीं से भी कोई साक्ष्य नहीं है। कार्तिक के वकीलों ने ये भी कहा कि 16 अगस्त को कोर्ट में पेश होने जैसा कोई भी नोटिस नहीं मिला है। सत्ता परिवर्तन के बाद पहली बार बोले कन्हैया कुमार।
बिहार में सत्ता परिवर्तन और कैबिनेट में विस्तार होने के बाद कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार पहली बार मीडिया के सामने बयान दिया है। इस दौरान कन्हैया कुमार भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ये मानती है कि देश में दो तरह के वोट हैं, एक जो देश को बेचने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरे वो जो देश को बचाने में लगे हुए हैं। हम सब ये देख रहे हैं कि सरकारी संपत्तियों की लूट मची है, सरकारी संपत्ति की लूट, और सरकार के दोस्तों को छूट मिल रही है। बिहार की बदतर स्थिति को बेहतर स्थिति में कैसे बदले, ये हमारा उद्देश्य है। बिहार में घूस लेते गिरफ्तार हुआ इंजीनियर। भ्रष्टाचार का सिलसिला बिहार में थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने एक सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को 50,000 घूस लेते हुए गिरफ्तार किया है। बता दें कि अधीक्षण अभियंता बिहार पुलिस बिल्डिंग कॉर्पोरेशन में पद स्थापित थे, जिनका नाम अरुण कुमार बताया जा रहा है। अरुण कुमार से पूछताछ के बाद उनके कई ठिकानों पर रेड चल रही है। बता दें कि स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने अरुण कुमार को 50,000 रुपए घूस लेते हुए गिरफ्तार किया था। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाने को लेकर के कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब। राज्य में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाने को लेकर के पटना हाई कोर्ट में लगातार सुनवाई जारी है। इसको लेकर बीते दिन चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को राज्य में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाने के मामले में स्थिति स्पष्ट करते हुए जवाब का निर्देश दिया है। आपको बताते चले कि इससे पहले की सुनवाई में चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने राज्य सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को राज्य के एयरपोर्ट में सुधार की बैठक कर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा था। आपको बता दें कि अब इस मामले पर अगली सुनवाई 24 अगस्त 2022 को की जाएगी। जीएसआई ने ड्राइवर के कुल इतने पदों पर निकाली भर्तियां। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ऑर्डिनरी ग्रेड ड्राइवर में कुल मिलाकर के 96 रिक्त पदों पर भर्तियों के लिए अधिसूचना जारी की है। इस पद के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को मैट्रिक पास होना, ड्राइविंग लाइसेंस और 3 साल का ड्राइविंग का अनुभव होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस पद से जुड़ी समस्त जरूरी जानकारी को आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन की अंतिम तारीख नॉर्थ रीजन के लिए 5/9/2022 और से सभी रीजन के लिए 12/9/2022 है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.gsi.gov.in पर जाकर के चेक कर सकते हैं। पंचतत्व में विलीन हुए सुभाष सिंह। बिहार के अनुभवी और कद्दावर भाजपा नेता सुभाष सिंह का मंगलवार को निधन हुआ था। इसके बाद बीते दिन उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ ख्वाजेपुर गांव के पास किया गया। सुभाष सिंह के अंतिम संस्कार के पहले उन्हें गॉड ऑफ ऑनर भी दिया गया। वहीं भाजपा के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। मालूम हो कि सुभाष सिंह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। वहीं दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान मंगलवार को उनका निधन हो गया। आपको बताते चले कि सुभाष सिंह गोपालगंज सदर से लगातार 4 बार विधायक रह चुके हैं और बिहार के पूर्व सहकारिता मंत्री भी थे। बिहार में मॉनसून ने मुंह मोड़ा। बिहार में मॉनसून ने इस बार बिहार वासियों को रुला दिया है। इससे सबसे ज्यादा परेशानी बिहार वासियों को हुई है। उनकी धान की फसल पूरी तरीके से चौपट होने के कगार पर है। वहीं इन दिनों बिहार में सुस्त पड़ी मॉनसून की वजह से बारिश नहीं हो रही है, जिससे राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं मौसम विभाग के द्वारा जारी पूर्वानुमान की बात की जाए तो मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जारी पूर्वानुमान में 18 अगस्त राज्य के अलग अलग जिलों में कुछ ही स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं कई क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग के द्वारा राज्य के किसी भी क्षेत्र में आज अच्छी बारिश होने की उम्मीद नहीं जताई गई है। बीजेपी ने संसदीय बोर्ड का किया ऐलान, शिवराज सिंह और गडकरी हुए बाहर। भाजपा के केंद्रीय चुनाव समिति और संसदीय बोर्ड का ऐलान कर दिया है। बता दें कि संसदीय बोर्ड की लिस्ट में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और नितिन गडकरी का नाम गायब है। बीजेपी ने इन दोनों नामों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। वहीं केंद्रीय चुनाव समिति से शहनवाज हुसैन को भी हटा दिया गया है। बीजेपी के इस संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति के अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे। बता दें कि संसदीय बोर्ड बीजेपी की सबसे ताकतवर संस्थाओं में से एक है। पार्टी के तमाम बड़े फैसले इसी बोर्ड के जरिए लिए जाते हैं।
ब्रह्मयोनी पर्वत इस वजह से है बेहद खास। बिहार सांस्कृतिक एवं धार्मिक समन्वय का प्रदेश रहा है। यहाँ बुद्ध और सनातनियों के बीच अद्भुत समन्वय दिखाई पड़ता है। गया मुख्यालय से दक्षिण NH 22 पर विष्णुपद से 1 किलोमीटर दूरी पर मारणपुर का एक पर्वत स्थित है, जिसे ब्रह्मयोनी पर्वत के नाम से जानते हैं। इस पर्वत को ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान माना गया है। यहाँ लोग आकर पितरों की मुक्ति और पार्वन और तर्पण करते हैं। हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्मावलंबी भी यहां पर्याप्त संख्या में आते हैं। आपको बताते चले कि ब्रह्मयोनी पर्वत श्रृंखला के 3 शिखर हैं। दाएं शिखर पर ब्रह्मा जी का मंदिर स्थापित है। मध्य शिखर पर बुद्ध सर्किट से जुड़ा पर्यटक स्थल है। यह गया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अब पटना एम्स में सर्जरी के लिए नहीं करना पड़ेगा लंबा इंतजार। पटना एम्स के OPD में भीड़ को कम करने के लिए जल्द ही व्यवस्था में बदलाव किए जाएंगे। पटना एम्स के निदेशक डॉक्टर गोपाल कृष्ण पाल ने कहा कि OPD में भीड़ को कम करने के लिए जल्द ही स्क्रीनिंग सिस्टम भी लागू किया जाएगा। अब तक यहां मरीजों को लगभग 2 साल तक सर्जरी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था। ये इंतजार ना करना पड़े, इसलिए जल्द से जल्द व्यवस्था में बदलाव किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार से 50 एकड़ जमीन मिलने के बाद सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक को स्थापित किया जाएगा, जिसमें स्त्री रोग शिशु रोग का खास इंतजाम होगा। ऐसा करने से वर्तमान अस्पताल भवन में मरीजों की भीड़ काफी कम हो जाएगी। बिहार के शिक्षा मॉडल को शिक्षा मंत्री ने बताया चिंताजनक। बिहार के नए शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने बिहार के शिक्षा मॉडल पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की मौजूदा शिक्षा मॉडल में काफी सुधार की जरूरत है, इसके लिए अब विभाग काम में जुट गया है। उन्होंने कहा कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए दिल्ली की केजरीवाल मॉडल के साथ साथ कई और मॉडल का भी अध्ययन किया जाएगा। इन सभी मॉडल में जो सबसे बेहतर होगा उस मॉडल को चुनकर राज्य में लागू किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार का शिक्षा बजट 50 करोड़ से भी अधिक का है, लेकिन उसे सही तरीके से यूज नहीं किया गया। 7वें चरण की बहाली को लेकर के उन्होंने कहा कि सरकार अब अपना काम बखूबी करेगी, जल्द ही नौकरी भी दी जाएगी। नीतीश तेजस्वी को प्रशांत किशोर देंगे समर्थन, लेकिन रखी ये शर्त। चुनावी रणनीतिकार अपने राजनीतिक अभियान को वापस ले सकते हैं। बता दें कि उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर भी होने वाला है। बता दें कि जन सुराज अभियान के तहत प्रशांत किशोर ने ये बात कही है। बिहार के समस्तीपुर में वो मौजूद थे, जहां उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले महागठबंधन सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अगर तेजस्वी यादव की तरफ से 10 लाख नौकरियों के वादे को पूरा कर लिया गया तो वो अपने इस अभियान को रोक देंगे। उन्होंने कहा कि अगर सरकार अगले 1 से 2 साल में राज्य के युवाओं को 5 से 10 लाख नौकरी देने में कामयाब रही तो वो सरकार के समर्थन में अपने इस अभियान को वापस ले लेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि वो फेविकॉल की तरह कुर्सी पर जाकर के बैठ गए हैं। बिहार की सरकार में बाकी की पार्टियां कभी भी इधर से उधर होती हैं, लेकिन नीतीश कुमार अपनी जगह पर बने हुए हैं। बिहार सरकार की नौकरी देने की है तैयारी, निकाली वैकेंसी। नीतीश सरकार ने अपने वादे पर काम करने की शुरुआत कर दी है। माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक सरकारी नौकरी की लाखों वैकेंसी आ सकती है। जानकारी के अनुसार पुलिस विभाग में 12,000, स्वास्थ्य विभाग में 12,000 पद, तो इसी साल के अंत तक 3 से 4 लाख सरकारी पदों पर बहाली हो सकती है। वहीं गृह विभाग ने सभी जिलों में नियुक्त की गई रिक्तियों का ब्यौरा भी मांगा है, जिसे सरकार के पास भेज दिया गया है। बिहार में सबसे ज्यादा रिक्तियां शिक्षा विभाग में है, जहां शिक्षकों की 1.5 लाख से भी अधिक पद खाली है। माना जा रहा है कि जल्द ही नियोजन की प्रक्रिया पर भी काम शुरू हो जाएगा। कांग्रेस ने नीतीश कुमार को PM उम्मीदवार मानने से किया इनकार। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा आम है कि जल्द ही नीतीश कुमार CM की कुर्सी छोड़कर तेजस्वी यादव को सौंप सकते हैं और PM बनने की रेस में शामिल हो सकते हैं। लेकिन बिहार के कांग्रेस के नेताओं ने जो बयान दिया है वो नीतीश कुमार के लिए झटका माना जा रहा है। बता दें कि कांग्रेस ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। यहां कांग्रेस के नेताओं ने ये साफ कर दिया कि नीतीश कुमार कांग्रेस की तरफ से PM के उम्मीदवार नहीं होंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कन्हैया कुमार, बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा मौजूद थे। उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि उनके लिए
पीएम उम्मीदवार सिर्फ राहुल गांधी होंगे। पप्पू यादव ने कहा, शराबबंदी मामले में सरकार सभी की जिम्मेदारी तय करे। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव मंडोरा पहुंचे थे, जहां उन्होंने शराब पीने के बाद हुई मृतक के परिजनों से मुलाकात की, साथ ही सरकार से मुआवजा देने की मांग भी की है। यहां पप्पू यादव ने कहा कि शराबबंदी से सिर्फ और सिर्फ गरीबों की मौत हो रही है, इसके लिए सरकार को ठोस कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार के अधिकारियों से लेकर के सांसद और विधायक तक की जिम्मेदारी को तय कर देना चाहिए। शराबबंदी मामले में जहरीली शराब को बनाने वालों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। 133 नए पंचायत सचिव ने संभाला कार्यभार। पटना जिले में 133 नए पंचायत सचिव ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। बता दें कि बुधवार को नए पंचायत सचिवों को कलेक्ट्रेट परिसर में प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि पंचायत सचिवों को सरकार की विकासात्मक और लोक कल्याणकारी योजनाओं के सफल बनाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। उन्होंने कहा कि पंचायत सचिवों को आम लोगों के प्रति संवेदनशीलता और उत्तरदायित्व की भावना से काम करना चाहिए। एक लंबी प्रतीक्षा के बाद इनका चयन हुआ, उम्मीद है कि वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। पूर्व मध्य रेलवे ने राजस्व की प्राप्ति में बनाया रिकॉर्ड। पूर्व मध्य रेलवे ने राजस्व की प्राप्ति में नया रिकॉर्ड कायम किया है। दरअसल पूर्व मध्य रेलवे के वित्तीय वर्ष 2022-23 के अगस्त महीने में 12 तारीख को 10,000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त कर लिया गया है, जो कि अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। आपको बता दें कि पूर्व मध्य रेलवे ने अपने पिछले 3 वर्षों में किसी भी वित्तीय वर्ष में अगस्त के आधे महीने तक प्राप्त राजस्व की तुलना में इतना राजस्व नहीं प्राप्त किया है। अगर हम पिछले वित्तीय वर्ष की बात करें तो राजस्व के दृष्टिकोण से 2021-22 में 12 अगस्त तक 7,638 करोड़ रुपए का रेल राजस्व प्राप्त हुआ था। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। महान स्वतंत्रता सेनानी नेता सुभाष चंद्र बोस ताइवान के ताइहुकी में 1945 को विमान दुर्घटना में बुरी तरीके से घायल हुए और इसके बाद उनका निधन हो गया। मराठा साम्राज्य के महान सेनानायक बाजीराव प्रथम का जन्म भी 1700 में हुआ था। पेशवा बाजीराव प्रथम के द्वितीय पुत्र और एक कुशल सेनानायक राघोबा का जन्म 1734 को हुआ था। महाराष्ट्र के शास्त्रीय गायक नेत्रहीन संगीतकीय पंडित विष्णु दिनकर का जन्म 1872 को हुआ था। भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बहन तथा महिला स्वतंत्रता सेनानी विजय लक्ष्मी पंडित का जन्म 1900 को हुआ था। परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सेना एबी तारापुरो का जन्म 1923 को हुआ था। प्रसिद्ध संगीतकार, कवि और फिल्म निदेशक गुलजार का जन्म 1936 को हुआ था। आज ही के दिन भारतीय अभिनेत्री प्रीति झिंगियानी का जन्म 1980 में हुआ। आज होगा जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत का पहला वनडे मुकाबला। भारत बनाम जिम्बाब्वे का आज पहला वनडे मैच खेला जाएगा। केएल राहुल की कप्तानी में भारतीय टीम अभी जिम्बाब्वे के दौरे पर है। यहां उन्हें जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 वनडे मुकाबले खेलने हैं। ये तीनों वनडे मुकाबले हरारे स्थित हरारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले जाएंगे, जहां आज जिम्बाब्वे के खिलाफ भारतीय टीम पहला मुकाबला खेलेगी। आपको बताते चले कि ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार दोपहर 12:45 में शुरू होगा। भारत बनाम जिम्बाब्वे वनडे सीरीज का प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा। वनडे मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप पर की जाएगी। वीवो ने लॉन्च किया रंग बदलने वाला ये फोन। फोन के शौकीन लोगों के लिए वीवो लेकर आया है V25 Pro। आपको बता दें कि वीवो ने कलर चेंजिंग बैक डिजाइन वाले वीवो वी सीरीज के नए फोन को इंडिया में उपलब्ध करा दिया है। इस फोन की खासियत ये है कि इसे धूप में ले जाने के बाद यह अपना रंग बदलता है। नए वीवो हैंडसेट में 256 GB का स्टोरेज, 12 GB तक का रैम, 64 MP रियल कैमरा और एंड्रॉइड 12 और 5G सपोर्ट जैसी खासियत मिलती है। कार्तिक सिंह पर गरमाई बिहार की सियासत, लालू मोदी आए आमने सामने। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कार्तिक सिंह पर कानून मंत्री बनाए जाने को लेकर के सवाल उठाए हैं।
सुशील मोदी ने ये तक कह दिया कि अनंत सिंह से नीतीश कुमार डरते हैं, इसलिए कार्तिक सिंह को कानून मंत्री बनाया गया है। सुशील मोदी ने कहा कि कार्तिक सिंह को कानून मंत्री बनाने के पीछे नीतीश कुमार का बड़ा मकसद है। इस मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सुशील मोदी को झूठा बता दिया है। लालू यादव ने कहा कि मोदी झूठा आदमी है, उनकी बातों को छोड़ दीजिए, कानून मंत्री कार्तिक पर ऐसा कोई मामला नहीं है, ये सब गलत है, बीजेपी के नेता बस झूठ बोलते हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का आप सभी लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके दिया था। जिन्होंने भी हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम हैं श्याम नंदन चौधरी, रामनवमी मांझी, मनोज कुमार, मनीष कुमार, रंजीत मिश्रा, मंजय कुमार, मधुलता, चंद्रमोहन और राजकुमार प्रसाद। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव में 35 सीटों पर जीत दर्ज करने का दावा किया है, आपके अनुसार भाजपा का ये दावा कितना मजबूत है? बहरहाल आप तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बिहारी न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें।